तो भाई हमने पिछली वीडियो में कवर किया था अटल टनल और सिसु। मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को कि भाई सिसु के अंदर से सारी जो स्नो थी, बर्फ़ थी, वो धीरे धीरे मेल्ट हो गई, पिघल गई है। तो वहाँ पे स्नो एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, मतलब ना के बराबर। अगर आप लोग जा रहे हो अप्रैल में तो यार आपको स्नो एक्टिविटी कहाँ मिल सकती है और बहुत ज़्यादा स्नो कहाँ मिल सकती है, मैं वीडियो के साथ आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो गाइस अगर आप लोग अभी मनाली में हो और स्नो एक्टिविटी करने के लिए सिसु जा रहे हैं तो भाई मैं देखो वीडियो बनाता हूँ, ट्रू बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। ये सिसु की वीडियो है आज की। यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो मैंने आज से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले वीडियो डाली थी जब बहुत ज़्यादा स्नो थी, लेकिन अब यहाँ से सारी पिघल चुकी है। सामने आप लोग देख सकते हैं पूरी स्नो कैसी कचरा और बिल्कुल पत्थर बन चुकी है। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है गाइस स्नो में, मतलब घूमने के लिए, अगर आप लोग वहाँ पे अभी मनाली में हैं, एक ऑप्शन है भाई कोक्सर का, लेकिन वो अभी ओपन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास में यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी स्नो है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। अटल टनल से कोक्सर की तरफ जो रास्ता जा रहा है ना गाइस, तो वहाँ तक आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। फिलहाल अगर आप लोग मनाली के अंदर हैं तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बैरीगेट लगे हुए हैं, इस बैरीगेट से आगे कोक्सर पड़ जाता है, तो कोक्सर तक बिल्कुल अभी जाने नहीं दे रहे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर बैरीगेट लगा के रखे हैं। अटल टनल से जब हम चलेंगे कोक्सर की तरफ तो बीच में एक स्नो पॉइंट मिलता है, तो ये वहीं की वीडियो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बर्फ़ अभी है। अगर आप लोग जा रहे हैं तो अटल टनल से सीधा यहाँ पे पहुँच जाना। और ये अटल टनल की वीडियो भाई आज की आप लोग देख सकते हैं, यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटी हो रही थी स्नो की, लेकिन अभी थोड़ी कम हो चुकी है। और भाई आप लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आए तो खुद की गाड़ी से जा सकते हैं, और टैक्सी की जरूरत पड़ती है तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को नंबर देता हूँ सनी भाई और संजू भाई का ना, तो मैंने लगा दिए, आप इनको कॉन्टैक्ट करके बुक कर लेना भाई, बिंदास इनको बुक करके कहीं पर भी ले जाना, और ये अच्छे से आपको घुमा भी देंगे। और आप अगर नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप मई में जा रहे हो या अप्रैल में कभी भी जा रहे हो, तो मैं आगे जैसे जैसे जो जो ओपन होता रहेगा ना मैं आपको अपडेट देता रहूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। और रोहतांग पास अभी ओपन हुआ नहीं, ना ही वहाँ की कोई अपडेट है। जो भाई कह रहे थे ना कि भाई हम रोहतांग पास बाइक से भी जा सकते हैं क्या, तो मैंने बताया था कि मैं रोहतांग पास के बारे में आपको आगे अपडेट दे दूँगा। तो भाई रोहतांग पास बाइक से जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको जाने नहीं देंगे। आप कोक्सर तक बाइक से जा सकते हैं गाइस, उसके आगे बैरिगेड लगे होते हैं, तो उससे आगे आप बाइक से तो नहीं जा सकते। और ये जो आप लोग अब वीडियो देख रहे हैं अटल टनल के साइड की वीडियो है, मतलब उसके पास में आप लोग देख सकते हैं सामने अटल टनल है। तो अभी यहाँ पे ना गाइस स्नो एक्टिविटी भी देखो कम हो चुकी है। अब एक ऑप्शन है कोक्सर का, वहाँ पे काफी बर्फ है, इसलिए यहाँ पे बैरिगेड लगे हुए हैं पीछे के, आगे जाने नहीं दे रहे कोक्सर तक। अभी शायद कल परसों एक दो दिन में ओपन कर देंगे, कोक्सर के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, और जैसे ओपन हो जाएगा ना मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। और भाई जिन भाइयों के मन में सवाल है ना कि अप्रैल में आएंगे तो बर्फ़ मिलेगी क्या, या हम मई में आएंगे तो मिलेगी क्या, मैंने पिछली वीडियो हर वीडियो में बताया था कि भाई अगर अटल टनल से स्नो ख़त्म होती है, बर्फ़ ख़त्म होती है, तो आपके लिए ओपन कर देते हैं कोक्सर। अगर कोक्सर से भी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी ना, तो उससे ऊपर थोड़ा ओपन कर देते, एक जगह है नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके बाद वहाँ से भी जब ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर ओपन होता है भाई रोहतांग पास, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओपन होते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना आपको कि आप बाइक के लिए पूछ रहे थे हम रोहतांग पास बाइक से जा सकते हैं क्या, तो बाइक से जाना बिल्कुल मना है भाई, जाने नहीं देंगे। आप टैक्सी ही बुक करके जा सकते हैं, प्राइवेट कार से भी देखो जाने देते भी हैं और कभी कभी जाने नहीं भी देते। इस बार क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा गाइस, जैसा भी रहेगा, बट मैं अगर आपको पर्सनली बोलूँ तो भाई टैक्सी बुक करके जाना, कुछ ज़्यादा ही हाई एल्टीट्यूड पे, और वहाँ के रास्ते भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है। तो गाइस जब हम अटल टनल में एंटर करते हैं ना, जब फर्स्ट पॉइंट होता है, तो ये वहाँ की वीडियो है, वहाँ का कुछ नज़ारा आज का इस तरीके का है भाई। स्नो है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ एक्टिविटी वगैरह तो होती नहीं है। अगर आप जा रहे हैं भाई सिसु की साइड, तो वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा नहीं मिलेगी, मैंने वीडियो में पीछे दिखा दिया आप लोगों को, तो आप लोगों को चले जाना भाई या तो फिर अटल टनल में थोड़ी बहुत है मतलब वहाँ पे जो भी, तो या फिर उससे आगे जहाँ पे बैरीगेड लगे हुए हैं ना कोक्सर तक, तो अभी ओपन नहीं हुआ आज, शायद अगर कल हो जाए या परसों हो जाए, जैसे भी रहेगा मैं आपको वीडियो में अपडेट दूंगा। और भाई रोहतांग पास के लिए भी ना मैं आपको अपडेट दे दूंगा तुरंत, जैसे ही ओपन होगा ना मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और टैक्सी का क्या चार्जेस वगैरह रहेगा अगर आप लोग बुक करके जाना चाहते हैं, जैसा भी रहेगा, अपनी प्राइवेट कार से पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, मैं आपको आगे तभी भी बता दूंगा।
वैसे देखो रोहतांग पास ओपन हो जाता था भाई 15 मई तक, अब शायद क्या पता मई एंड तक ओपन हो। तो भाई और आगे जैसा भी रहेगा ना, मैं ओपन होने के बाद रोहतांग पास जब ओपन हो जाएगा रियल जो भी अपडेट रहेगी उस टाइम की मैं आपको दे दूंगा वीडियो के जरिए। और भाई हो सकता है इस बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट कार का जाना अलाउड ना हो ऊपर की तरफ, तो जैसा भी रहेगा वो तो मैं उसी टाइम पर बता सकता हूँ गाइस। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा भी रहेगा मैं आपको आगे सब बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।